The question is given, prove that root 2 plus root 3 is irrational. Means, when an irrational number is added to another irrational number, the result is irrational. यहाँ पे root 2 irrational है, root 3 irrational है, हमें पता है. जब root 2 को root 3 के साथ add करते हैं, तो जो result मिलता है, root 2 plus root 3, वो भी एक irrational number है. यही हमें यहाँ पे prove करना है. तो इससे पहले, जो question हम करते थे, prove that root 2 is irrational और prove that root 3 is irrational, वहाँ पे हम contradiction method follow करके करते थे. तो यहाँ पे भी हमें कंट्राडिक्शन मेथड को फॉलो करना है. तो कंट्राडिक्शन मेथड क्या है वो पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ. कंट्राडिक्शन मेथड मतलब हम पहले क्या करते हैं, जो स्टेटमेंट को हमें प्रूव करना होता है उसका ऑपोजिट स्टेटमेंट जो होता है उसको हम सही मान लेते हैं. मतलब यहाँ पे प्रूव करना है प्रूव दैट रूट टू प्लस रूट थ्री इज इरेशनल, हम क्या कर लेंगे, प्रूव दैट रूट टू प्लस रूट थ्री इज इरेशनल हम अज्यूम कर लेंगे. फिर हमें लास्ट में एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ऐसा कुछ मिलेगा जो कि मैथमेटिक्स के जो बेसिक्स रूल्स है या फिर फैक्ट्स है उसको अपोज कर रहा होगा, या फिर हमने जो कुछ भी लिखा होगा उसी में से कोई एक स्टेटमेंट को वो अपोज कर रहा होगा. तो उस टाइम में हम क्या करेंगे कि ये जो कंट्राडिक्शन किस लिए आया है, हमारा जो अजम्पशन भी है उसी की वजह से आया था, इसलिए हमारा जो अजम्पशन है वो गलत है और उसका अपोजिट जो हमें जो स्टेटमेंट प्रूव करना था उसको हम सही मान लेंगे या फिर सही प्रूव कर लेंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो पहले हम लिखेंगे, लेट अस अज्यूम रूट टू प्लस रूट थ्री इज रेशनल. हमें पहले ये मान लेना है कि ये जो दिया गया है जिसको इरेशनल प्रूव करना है वो रेशनल है. तो इसके हिसाब से रेशनल नंबर का डेफिनेशन जो हम पढ़े थे उसके हिसाब से क्या हो गया, रूट टू प्लस रूट थ्री जो है दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम एंड ऑल्सो क्यू नॉट इक्वल टू जीरो. ये जो है कंडीशन है फॉर एनी रेशनल नंबर. तो यहाँ पे हमें मिल गया रूट टू प्लस रूट थ्री जो है दैट इज इक्वल टू पी बाई क्यू. तो इसको आगे सॉल्व करते हैं. तो हम क्या करेंगे, ये जो रूट टू है एक कोई भी दोनों में से कोई एक को हम रख लेना है, हमें रख लेना है लेफ्ट साइड में और जो बाकी है उसको राइट साइड में ले लेना है. तो अभी देखो हमें क्या मिला. तो अभी जैसे कि रूट टू का इरेशनलिटी प्रूव में हम क्या करते थे, बोथ साइड को स्क्वायर करते थे, यहाँ पर भी हम बोथ साइड को स्क्वायर करेंगे. तो हमें मिलेगा रूट टू स्क्वायर एंड राइट साइड में मिलेगा पी अपन क्यू माइनस रूट थ्री स्क्वायर. तो वो हम मेंशन कर लेते हैं राइट साइड में. हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे स्क्वायर किया है बोथ साइड को. तो वही मैं लिख लूँगा यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो नेक्स्ट क्या मिलेगा हमें, देखो लेफ्ट साइड में जो रूट टू का स्क्वायर है वो क्या हो गया, टू हो गया. एंड यहाँ पे हम अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा पी माइनस रूट थ्री क्यू होल स्क्वायर. और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं राइट साइड को, तभी मिलेगा ऊपर है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस टू इंटू पी इंटू रूट थ्री क्यू प्लस रूट थ्री क्यू स्क्वायर अपन क्यू स्क्वायर. नेक्स्ट हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे क्यू स्क्वायर हम राइट साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारा हो गया टू क्यू स्क्वायर. और यहाँ पे जो न्यूमिरेटर था उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर. तो ये जो नेक्स्ट स्क्वायर टर्म है उसको मैं नजदीक लिख लेता हूँ यहाँ पे, तो पी स्क्वायर ये हो गया थ्री क्यू स्क्वायर एंड यहाँ पे रहेगा टू रूट थ्री पी क्यू. तो यहाँ से हमें क्या करना है, रूट थ्री का वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है. तो बाकी सबको हम क्या करेंगे, दूसरे साइड में शिफ्ट कर लेंगे, फिर टू माइनस टू रूट थ्री पी क्यू जो है उसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं, वो हो जाएगा टू रूट थ्री पी क्यू. एंड राइट साइड में हमें मिलेगा टू क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस, सॉरी हमने यहाँ पे इसको बस राइट साइड में जो था उसको लिखना है पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर एंड टू क्यू स्क्वायर का हमें राइट साइड को ट्रांसपोज कर लेना है. नेक्स्ट सिंप्लीफाई करते हैं, रूट थ्री का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपन ये टू रूट थ्री सॉरी टू पी क्यू जो है ये आ जाएगा राइट साइड में. तो रूट थ्री का वैल्यू हमें मिल गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपन टू पी क्यू. तो हमें यहाँ पे ऑलरेडी पता है कि जो पी क्यू क्या है, पी क्यू जो है को प्राइम, यहाँ पे मैंने और एक चीज़ लिखना भूल गया, को प्राइम इंटीजर्स है. ठीक है, तो पी और क्यू जो है कोई भी को प्राइम इंटीजर्स है. तो अगर हमें पता है पी और क्यू इंटीजर्स है तो यहाँ पे जो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वो भी एक इंटीजर होगा एंड सिमिलरली टू पी क्यू भी एक
इंटीजर होगा, तो वही चीज हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सिंस p एंड q आर इंटीजर्स, ये जो है हमें जो मिला है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपन टू पी क्यू, ये भी इंटीजर अपन इंटीजर हो गया, तो फिर एक रेशनल नंबर हो गया। तो वही चीज लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपन टू पी क्यू इज रेशनल, क्योंकि रेशनल नंबर का डेफिनेशन तो वही है, सम इंटीजर डिवाइडेड बाय अनदर इंटीजर। नेक्स्ट इफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपन टू पी क्यू इज इंटीजर देन दैट इज इक्वल टू रूट थ्री, सो दिस गिव्स रूट थ्री इज ऑल्सो रेशनल। ये जो स्टेटमेंट आया ये अभी कंट्राडिक्शन आ गया, क्योंकि हमें पता है रूट थ्री जो है वो क्या है कि रेशनल नंबर है, लेकिन हमें यहाँ पे मिल रहा है कि रूट थ्री एक रेशनल नंबर है, तो कंट्राडिक्शन आ गया। तो वही स्टेटमेंट को हम लिख लेंगे अच्छे से, जैसे मतलब रूट टू रूट थ्री के इरेशनलिटी में लिखते थे, तो लिखेंगे दिस कंट्राडिक्ट टू द फैक्ट, कौन सा फैक्ट को ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, दैट रूट थ्री इज इरेशनल। रूट थ्री जो इरेशनल है वही फैक्ट को ये कंट्राडिक्ट कर रहा है। देखो यहाँ पे हमें मिला है रूट थ्री इज इरेशनल, ये कंट्राडिक्शन क्यों आया, दिस इज बिकॉज ऑफ आवर अजम्पशन, जो हमने अज्यूम किया था वही गलत था। तो वही लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन अगर हमारा अजम्पशन गलत है तो हमारा अजम्पशन क्या था, हमारा अजम्पशन था कि रूट टू प्लस रूट थ्री इज रेशनल, यह हमारा अजम्पशन था। अगर ये अजम्पशन गलत है तो सही अजम्पशन क्या है या फिर सही स्टेटमेंट क्या है, रूट टू प्लस रूट थ्री इज इरेशनल, हम लिख लेंगे हेंस रूट टू प्लस रूट थ्री इज इरेशनल, जो कि हमें प्रूव करना था। Thank you.